तो कांग्रेस पार्टी लगातार लखीमपुर मामले को लेकर हमलावर है। प्रमोद तिवारी को भी अभी आपने सुना। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इस्तीफे की मांग को लेकर ओपी राजभर धरने पर बैठ गए हैं। लखनऊ में विधानसभा के पास धरने पर राजभर बैठे हैं। राजभर के धरने में उनकी पार्टी के 3 विधायक भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस्तीफे की मांग अब लगातार तेज होती जा रही है। सपा सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ में 3 विधायक भी मौजूद हैं। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त मेरे साथ में हैं। राजभर साहब, जो अजय मिश्र टेनी का मामला है, वो सोसाइटी कह चुकी है कि उनके बेटे ने साजिश रच करके ये पूरी जो घटना है उसको अंजाम दिया, ये कोई दुर्घटना नहीं थी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अजय मिश्रा टेनी के इशारे पर उनका बेटा घटना को अंजाम दिया। 4 किसान, 1 पत्रकार पहले मरा, उसके बाद 9 लोग सबकी डेथ हुई। ये पूरी योजना के तहत काम हुआ जिसका खुलासा SIT ने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो गया है, कोई अपराधी नहीं है। बुलडोजर इनका कहाँ चलता है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के यहाँ बुलडोजर चलता है। अब इनका बुलडोजर क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर हम तो मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूँ कि अब आपका बुलडोजर में तेल नहीं है, खत्म हो गया तेल, चलाओ बुलडोजर उनके घर। और हम मानी मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, आप लोग देश चला रहे हो, मैसेज गलत जा रहा है कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हो। जिसका बेटा खुलेआम बाप के इशारे पर हत्या कर रहा हो, जीप चढ़ा रहा हो, 4 किसान, 1 पत्रकार, उसके बाद 9 लोगों की हत्या हो रही है, रिवाल्वर किसे गोली चला रहा हो, और उसके बाद भी उस मंत्री को आप बैठा करके अपने चेंबर में रसगुल्ला खिला रहे हो। ये अब वो पत्रकारों पर भी हमला कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, गुस्सा उतार रहे हैं, क्या लगता है आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब अजय मिश्रा टेनी और भारतीय जनता पार्टी, ये हताशा और निराशा है। देश का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है। पत्रकारों के साथ जो उन्होंने किया है हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ये उनकी बौखलाहट दिख रही है। और इस मामले में प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि तत्काल इनको बर्खास्त करें, नहीं प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। ओम प्रकाश राजभर है, साफ तौर पर कहना है कि अगर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त नहीं किया गया मंत्रिमंडल से, तो एक प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी,